हेलो व्यूवर्स, मैं मिनी मेहरा, आपका हमारे गृह चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीवन के 10 मूल मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसका अगर आप लोग जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता हो कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज थोड़ा गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए फिर भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो हम लोग को गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान मस्तिष्क के देवता हैं। लोग कहते हैं गणेश की पूजा करने से सारी विघ्न दूर हो जाती है। तो जिन लोगों को खुश रहना है उन लोगों को गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर तो एक है, चाहे आप गणेश को पूजिए चाहे शिव को पूजिए, लेकिन फिर भी गणेश की पूजा से हमारे विघ्न को दूर होते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, अक्सर याद करके भूल जाते हैं, उन बच्चों को ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनका दिमाग तीव्र होगा और उनको याद की हुई बातें भूलेंगी नहीं। ओम बृहस्पतिये नमः का जाप करने से बृहस्पति मजबूत होता है। इस जाप को आप पीले आसन पर बैठ के हल्दी का तिलक लगा करके बृहस्पतिवार को करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप लोग को डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है, तो हनुमान जी को छोटी सी चांदी की गदा अपने हिसाब के मुताबिक बनवा करके उनको चढ़ाइए या और उसको भी अपने पास रखिए चढ़ा करके, आप लोग को डर नहीं लगेगा। जो लोग किताबों का दान करते हैं, जूते का दान करते हैं, उनका बृहस्पति मजबूत होता है। तो आप लोग अक्सर किताबों का ध्यान करा करिए, सत्संग भी सुना करा करिए, आपको देखिए लाभ होगा। गंगा जल को सुबह शाम शंख में रख भर के रख करके आपको अपने घर के चारों तरफ छिड़कना चाहिए, इससे घर में शांति आती है। कभी कभी होता है कि हम लोग कितना भी पैसा कमाते हैं, रखते हैं घर पे ला करके, लेकिन हमारा पैसा किसी न किसी तरह से निकल जाता है। तो आप लोग एक छोटी सी तांबे की लुटिया लीजिए और उसको गंगा जल भर के अपनी तिजोरी जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में बरकत रहेगी। कभी कभी होता है कि लड़के लड़कियों की शादी में आती बाधाएं आ जाती हैं, शादी लग करके टूट जाती है। तो आप लोग ऐसा करिए, 108 छोटा छोटा लड्डू बनवा करके, मोदक बनवा करके, आप लोग हनुमान जी को भोग लगा करके छोटी छोटी कन्या छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। देखिए जो शादी में आ रही विघ्न है वो रुकावट दूर हो जाएगी। होता है कि हम लोग अपने मुख्य द्वार पे गणेश जी की प्रतिमा बनवा करके लगवा देते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा के अलावा अगर हम यंत्र लगाएं गणेश जी का या स्वास्तिक का कोई चिन्ह लगाएं तो हम लोग को ज़्यादा लाभ होगा। होता क्या, कभी कभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए मेहनत करके भी सफलता नहीं मिल रही है तो एक अष्ट धातु की गदा बनवा करके हनुमान जी को चढ़ा करके वो गदा आप अपने पास रखिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो भी अपने साथ ले जा सकते हैं, अगर एग्ज़ाम वाले जाने दे तो, और रखिए। देखिए हो सकता है कि अगर आप मेहनत करके जा रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाए, लेकिन ठीक है, मेहनत पढ़ने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी हमने बताया अगर सफलता नहीं मिलती है तब आप ये कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल। बाय बाय।